आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पश्चिम बंगाल में कोरोना की स्थिति को सामान्य होते देख सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कक्षा 8वीं से 12वीं के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। 3 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में स्थिति कुछ हद तक सामान्य होती दिख रही है। इस क्रम में आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस वार्ता में घोषणा किया कि राज्य में कोविड 19 महामारी की स्थिति में सुधार होने के कारण विभिन्न शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल 3 फरवरी से फिर से खुलेंगे और एक बार फिर फिजिकल क्लासेस शुरू किया जाएगा। और राज्य में कोरोना के प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है, जहां अब 75% के तहत निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और विभिन्न क्षेत्रों को कोरोना नियमों को पालन करने की हिदायत के साथ छूट दी गई है। जहां रात्रि कर्फ्यू अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगी। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने पर स्थिति का जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। फांसीदेवा प्रखंड के फुलबाड़ी क्षेत्र में पक्षियों की गणना के लिए वन विभाग ने शुरू की है पहल। सिलीगुड़ी से सटे फांसीदेवा प्रखंड के फुलबाड़ी क्षेत्र में पक्षियों की गिनती के लिए वन विभाग ने पहल की है। सोमवार को बागडोगरा वन विभाग के कई स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर फुलबाड़ी और पोरोझाड़ से सटे इलाकों में पक्षी गणना की गई। वन विभाग के अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की संख्या और प्रजाति की गिनती शुरू कर दी है। अन्य वर्षों में विभिन्न स्वयंसेवी संगठन स्वतंत्र रूप से क्षेत्र में जाएंगे और पक्षियों की गिनती करेंगे। हालांकि इस साल वन विभाग ने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर इस गणना का काम शुरू कर दिया है। वन विभाग के अनुसार शिकारियों और प्रवासी पक्षियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। একসাথে বলতে এখানে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আছে, বার্ড ওয়াচার সোসাইটি আছে, অপটোপিক, ন্যাপ, মেটাকোস, তারপর পশ্চিমবঙ্গ কি বলে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব, কিছু ইন্ডিভিজুয়াল আছে, যেমন এখানে দেবপ্রতিম সাহা আছে, অভিজ্ঞান সাহা আছে, নন গভর্নমেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল, এরা সবাই মিলে একসাথে, এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরও স্টাফ থাকছেন আমাদের সাথে, প্রত্যেকটা টিমের সাথে। এখানে কি কি ধরনের পাখি ওয়াটার বার্ড আসে এখানটা এবং কি সংখ্যায় আছে সেটা একটা কাউন্টিং করা। এখানে মোটামুটি রুডিশেল ডাক, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, গ্যাডওয়াল, মেইনলি হচ্ছে কিছু প্রচুর পরিমাণে হুইসলিং ডাক, এগুলো আছে। এছাড়াও মাঝে মধ্যে বেশ কিছু রেয়ার পাখি এখানে দেখা যায়, যেমন এর আগে হোয়াইট ফ্রন্টেড গুজ, গ্রেটার হোয়াইট ফ্রন্টেড গুজ দেখা গেছে এর আগে, গার্গেনি আসে এখানে, তারপরে কিছু এছাড়াও কিছু পাখি আসে যেগুলো খুবই রেয়ার এখানটাতে বলতে পারে আমাদের এই সাইডটাতে, সেগুলোও মাঝে মধ্যে দেখা যায়। কিছু গাল আসে এখানে। পাখিদের নিরাপত্তা নিয়ে হচ্ছে, এখানে তো আপনারা জানেন যে এই জায়গাটা আগে একদম উন্মুক্ত জায়গা ছিল। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से ठीक पहले अग्निअस्त्रों के साथ पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से पहले एनजेपी थाने की पुलिस ने अग्निअस्त्रों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम वरुण दास उर्फ लब और पलटू दत्ता है। ये दोनों सिलीगुड़ी के फुलेश्वरी के रहने वाले बताए जा रहे। जानकारी के अनुसार रविवार की रात उक्त दोनों बदमाश नौकाघाट संलग्न महानंदा नदी के किनारे आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस वहां पहुंची और अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल और एक कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई असामाजिक क्रियाकलापों में रहने का आरोप है। आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी प्राथमिक शिक्षा संसद के चेयरमैन ने सूर्यनगर और तराई तारापद प्राइमरी स्कूल का किया निरीक्षण। द्वारे शिक्षा दान के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्कूलों की तरफ मोड़ने के लिए राज्य सरकार की द्वारे पाठशाला योजना 7 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी क्रम में
सिलीगुड़ी प्राथमिक शिक्षा संसद के चेयरमैन दिलीप कुमार रॉय आगे से ही इस योजना को शुरू कर रहे हैं। सोमवार को वहां सिलीगुड़ी वेस्ट सर्कल सब इंस्पेक्टर शांतनु सरकार को लेकर सूर्यनगर और तराई तारापद प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जरा बच्चारा एगिए जाए तादेर जे माने भोला जिनिसगुलो आबार तारा स्मरण करते पारे एटाई एकमात्र उद्देश्य छिलो जे आमार शिक्षकरा छात्र छात्रीदेर काछाकाछि आसुक गार्जेनदेर काछाकाछि आसुक एवं माने तादेर নিজের যে ছাত্রছাত্রী এবং টিচারের যে সম্পর্ক সেটা থাকুক। এক্স্যাক্টলি তাই, কারণ এটা প্রাক বলা যেতেই পারে। রাজ্য সরকার আমাদের 7 ফেব্রুয়ারি থেকে ঘোষণা করেছে যে পাড়ায় শিক্ষালয়, দারুণ উদ্যোগ একটা নিয়েছে এই পরিস্থিতিতে। তো মানে এই পরিস্থিতিতে মোটামুটি ওই পাড়ায় শিক্ষালয়টা এভাবেই চলবে, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে শিক্ষক দিদিমণিরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে যাবে, ছাত্রছাত্রীদের নানান সমস্যা, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা, ছাত্রছাত্রীরা কতদূর পিছিয়ে পড়েছে, কতদূর তাদের কাজ করতে হবে, এইগুলো নিয়ে মানে প্রোগ্রামটা চলবে। অ্যাসেসমেন্ট ভালো, কারণ অ্যাসেসমেন্ট যেটা যদি বলা যায় এই মুহূর্তে যে ছাত্রছাত্রীরা আমার অনেক পিছিয়ে গেছে। ট্রাফিক জ্যাম এবং অবৈধ পার্কিং এর খিলাফ সখ্ত হুই সিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ, চালায় গিয়া অভিযান। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक जाम एवं अवैध पार्किंग के खिलाफ आज अभियान तेज कर दिया है। शहर के एनजेपी संलग्न इंडियन ऑयल डिपो के सामने से गुजरने वाली सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े टैंकर एवं ट्रक सड़क के दोनों किनारे पर खड़े रहते हैं और यहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। लोगों की शिकायतों के बाद सोमवार को ट्रैफिक आईसी शांता शील के नेतृत्व में एनजीपी पुलिस ने ट्रैफिक जाम के खिलाफ जमकर अभियान चलाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 12 फरवरी को सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के बाद 16 फरवरी से इस सड़क पर किसी भी तरह के वाहन को खड़ा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गार्मेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गार्मेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गार्मेंट्स। यहां आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गार्मेंट्स, सेकेंड फ्लोर कौड़ीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुँच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका। आनंद विल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप, 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damrose showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट,
वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए जलपाईगुड़ी शहर का एक बड़ा हिस्सा रखा गया बंद। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जलपाईगुड़ी का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को बंद रखा गया। जलपाईगुड़ी शहर के 3 नंबर रेल गुमटी से लेकर कदमतला मोड़, डीवीसी मोड़ और थाना मोड़ तक के सभी बाजारें बंद रही। जलपाईगुड़ी प्रशासन के निर्देश पर अब तक कुल 8 बार बाजार बंद किया जा चुका है। सोमवार को बंद रहने के कारण जलपाईगुड़ी के हृदय स्थली कदमतला और डीवीसी रोड इलाका सुनसान रहा। इस दौरान वाहनों की भी कम आवाजाही देखी गई। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने 20 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश के अनुसार ही सोमवार को बाजारों को बंद रखा गया। पिछले 11 दिनों में एक एक कर बंद रखने के कारण इलाके में संक्रमण कम होने की बात नगर पालिका के अधिकारियों ने कही है। এলাকা ভিত্তিক বন্ধ যেটা 20 তারিখ থেকে আমাদের শুরু হয়েছিল সেটা 31 তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই বন্ধ, এই আমাদের যে এলাকা ভিত্তিক যে বন্ধ রাখার যে একটা বিষয় ছিল সেটা আজকে সমাপ্তি, আজকে ডেট পর্যন্ত ছিল। সেটা আমাদের আগামীতে থাকবে কি না সেটা আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মতোই আমরা সেই দিকে এগোব। তবে এটাকে সমর্থন করেছে এটা জলপাইগুড়িবাসী, এটা নিশ্চয়ই খুব ভালো খবর। এবং তাতে আমরা দেখতেও পাচ্ছি এলাকাভিত্তিক বন্ধের ফলে সংক্রমণ কিন্তু অনেকটাই কমানো গেছে। তাছাড়াও আমাদের বিভিন্ন স্থানে অ্যান্টিজেন টেস্ট তো চলছেই, তার সাথে মাইকিং চলছে, স্যানিটাইজেশন চলছে। পুরসভা দেখছে কিভাবে সংক্রমণকে ঠেকানো যায়, মানুষের পাশে রয়েছে, একদম প্রথম থেকেই মানুষের জন্য করোনা মোকাবিলায় কাজ করছে। এটাই বলবো যে সকলে মাস্কটা পরুন, কিছুটা কমানো গেলেও আমাদের আরও সচেতন হতে হবে, এখনও অনেক মানুষের মুখে মাস্ক নেই। जयगांव में तृणमूल छात्र परिषद के महासचिव के गिरफ्तारी को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी। जयगांव नानी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय की तृणमूल छात्र परिषद के महासचिव मोकसदुल इस्लाम की गिरफ्तारी को लेकर जयगांव इलाके में सोमवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि बाद में तृणमूल छात्र परिषद नेतृत्व और जयगांव पुलिस की बैठक में स्थिति पर काबू पाया गया। तृणमूल छात्र परिषद के कालचीनी प्रखंड के अध्यक्ष हैदर अंसारी ने यह जानकारी दी। तृणमूल छात्र परिषद की जयगांव थाने के महासचिव के साथ एक बाइक की रिहाई को लेकर तीखी नोकझोंक हुई और पुलिस ने छात्र नेता मोकसदुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने
बताया कि पुलिस द्वारा छात्र नेता की गिरफ्तारी एक गलतफहमी थी, हालांकि बाद में सभी समस्याओं का समाधान किया गया। एक बाइक को छुड़ाने को लेकर वो हमारा TMCP का ही जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन का जयगांव कॉलेज का अरेस्ट नहीं किया था, तो उस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के वजह से उसको कुछ देर के लिए थाना में रखा था, तो बाद में ये चीज़ पूरा फैल गया कि उसको अरेस्ट कर गया बोल के, इसीलिए 150-200 का हम लोग का जो भी जयगांव एरिया का स्टूडेंट लोग है TMCP का समर्थक लोग, वे लोग आके थोड़ा हो हल्ला हुआ था यहाँ थाना में, फिर हम लोग आए तो अंदर जाके फिर हम लोग बड़ा बाबू से बात किए तो बात समझ में आएगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत में उसको कुछ देर के लिए थाना में रखा था, बाद में फिर बातचीत हो के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था आपस में उसको दूर किया। फिर गरमाया दारिवेत स्कूल अध्यक्ष के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों ने खोला मोर्चा। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर प्रखंड के दारीवीट हाई स्कूल में 2 साल पहले हुए आंदोलन में 2 छात्रों के मारे जाने की घटना से दारीवीट हाई स्कूल के इलाके में दहशत फैल गई थी। स्कूल के छात्र और अभिभावक इस छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे। एक बार फिर स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार दोपहर को स्कूल परिसर में अध्यक्ष के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के अभिभावकों और छात्रों ने स्कूल के गेट के सामने लंबा धरना प्रदर्शन भी किया। এটা আমাদের হাই স্কুল, আমরা হলাম অভিভাবক। এই হাই স্কুলে হেড স্যারের কাছে একটা উপর থেকে চিঠি আসে, কমিটি গঠন করতে হবে, ভালো কথা। এটা প্রধানের কাছে যায়, প্রধান হাই স্কুলে কমিটির লোক এবং কি আমাদের ফালান বয়রা গিয়ে আছে, আমাদের ব্লক মেম্বার, ওরে নিয়ে বসে বসে একটা এই যে লিখিতর মাধ্যমে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। তো হঠাৎ করলনি রঞ্জিত মাস্টারকে সেক্রেটারি পথে নেওয়া হবে, তারপরে ও ক্ষমতার বলে এবং কি ব্লক মেম্বার প্রধানের সাথে কী বা কাহারা করছে, ওনার ছোটো ভাইয়ের নামটা যে একটা দুধের বাচ্চা যার কোনো ছেলে মেয়ে নাই, বিয়ে হইল পরশু দিন, সে অভিভাবকও না, ফালান বৈরাগীও এই স্কুলের অভিভাবক না। বৈঠক ছিল বলতে আমি স্কুলে এলাম, স্কুলে এলে আসার পরে দেখতে পেলাম যে কিছু গার্জিয়ান এসছে, যেগুলো আবার জমি দাতাও বটে, মানে এই স্কুলের, হ্যাঁ, ওদের জমির উপরেই স্কুলটা হয়েছে। তারপরে ওদেরকে বললাম যে তোমাদের বক্তব্য কী, সবাই বক্তব্য পেশ করলো। আসলে এই স্কুলটা চলছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার দীর্ঘদিন ধরে, মানে 2018 সালের পর থেকেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের আন্ডারে চলছে। কয়েকদিন আগে একটা মেইল আসে আমার কাছে TI অফিস থেকে থ্রু বিকাশ ভবন, তো আমাকে বলা হয় যে প্রেসিডেন্টের কমিটি হবে, প্রেসিডেন্টের নাম পাঠানো হয়। তো সেই অনুযায়ী আমি প্রসিড করতে গিয়ে দেখি PI-র নাম দেয়নি, দুজন PI। তো আমি আমার মতো কাজ এগোচ্ছিলাম, আমি ইতিমধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে চিঠিও দিয়েছি যে যাতে কমিটি প্রসিড করা হয়, যাতে আমি প্রসিড করতে পারি। তো PI ছাড়া আবার হবে না। ইতিমধ্যে এনারা খবর পেয়েছে, এনারা বলছে যে এনাদের যেটা দাবি সেটা হচ্ছে আমরা প্রেসিডেন্ট, আমরা জমিদাতা, তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে কেন আমাদের দাবি মানা হবে না। আলিপুরদুয়ার জেলে মে শুদ্ধ পেয়েজল সনিয়ন্ত্র কা কিয়া গিয়া ঔপচারিক উদ্ঘাটন, 20 রুপিও কে বদলে মিলেগা 20 লিটার শুদ্ধ পেয়েজল। अलीपुरद्वार जिले के वार्ड नंबर 16 में शुद्ध पेयजल संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस प्लांट से नगर पालिका के 20 वार्डों में शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। उद्घाटन समारोह में नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष रूना चैटर्जी और नगर पालिका बोर्ड के अन्य सदस्य भी उपस्थित हुए। प्लांटिक उद्योग को 2009 में अलीपुरद्वार नगर पालिका और कोल इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इसे 8 लंबे वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था। पता चला है कि बकाया भुगतान नहीं होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था। अलीपुरद्वार नगर पालिका द्वारा सोमवार को प्लांट को फिर से खोल दिया गया। इस प्लांट से अलीपुरद्वार के निवासियों को 20 रुपयों के बदले 20 लीटर शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न केवल पूरे क्षेत्र में বল্কি পুরে ক্ষেত্রে কে বাহার ভি কি যায়গি হাতে ছিল তারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। তো আমাদের কাছে মানুষের আলিপুরদুয়ার পৌরসভার মানুষের চাহিদা ছিল যে এই জলটা খুব ভালো, পেটের পক্ষেও খুব ভালো, উপকারিতা আছে।
তো সকলে আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমাদের কাছে বহু মানুষ আবেদন করেছিল এটাকে এই প্রজেক্টটাকে চালু করার জন্য। তো দীর্ঘ সাত বছর প্রায় হলো এটা বন্ধ ছিল, তো আজকে এটার আমরা এই প্রজেক্টটার আরেকটা সংস্থার হাতে দিয়ে নতুনভাবে নতুন রূপে আমরা আজকে এটা ওপেনিং করলাম। जलढका के नदी से सटे जंगल से एक वयस्क तेंदुए का शव बरामद। घटना को लेकर जंगल के आसपास इलाकों में दहशत व्याप्त। जलढका नदी से सटे जंगल से एक वयस्क तेंदुए के शव को बरामद किया गया। वनकर्मियों का अनुमान है कि एक हाथी के साथ हुई लड़ाई में वयस्क तेंदुए की मौत हो गई। यह घटना डुअर्स के नाथुआ रेंज के गडियार कुथी बीट में जलढाका नदी के पास हुई थी। दोपहर को जंगल में पेट्रोलिंग के दौरान वनकर्मियों ने तेंदुए का शव वनकर्मियों के संज्ञान में आया। खबर मिलते ही वन अधिकारी एवं वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। घटना को लेकर जंगल के आसपास के इलाकों में दहशत व्याप्त है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार, इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव, आपका भरोसेमंद चैनल। एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।